हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है ब्रेड पनीर सैंडविच। आज मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड पनीर सैंडविच बना रही हूँ, तो आइए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये देखिए, मैंने प्लेन ब्रेड लिया है, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। ये प्लेन ब्रेड है और जितनी बड़ी फैमिली है उसके हिसाब से आप ब्रेड ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने पनीर लिया है, पनीर को आप छोटे टुकड़ों में काट लें, आप पनीर को क्रश भी कर सकते हैं। ये करीब 200 ग्राम पनीर आप ले सकते हैं। और मैंने आलू को बॉईल किया है, करीब 4 से 5 आलू आप बॉईल करके रख लें। उसके बाद मैंने प्याज और मिर्ची को चॉप कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। आप चाहे तो गाजर और कैप्सिकम भी दे सकते हैं, जितनी ज़्यादा सब्जियां रहेगी उतना ही बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और ये कुछ मसाले मैंने लिए हैं, जैसे नमक, ब्लैक पेपर, मिर्ची पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर और ये थोड़ा चाट मसाला पाउडर, ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा तेल लिया है। अब मैं अपनी कढ़ाई को गर्म करूँगी, तो आइए हम गैस को ऑन करते हैं। तो हमारा कढ़ाई गर्म हो रहा है अभी। उसके बाद मैं इसमें तेल डालूंगी और थोड़ा सा जीरा डालूंगी हल्का। उसके बाद ये जीरा गरम हो जाए तो हम इसमें प्याज मिर्ची डालेंगे। उसके बाद सारे मसाले डालकर फ्राई करेंगे। तो आइए आगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये करीब 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डालूंगी। दो बड़े चम्मच मैंने तेल डाला। उसके बाद मैं ये थोड़ा सा जीरा डालूंगी। आप इसमें चाहे तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता थोड़ा इसमें फ्लेवर लाएगा। के बाद इसमें मैं प्याज डालूंगी। अब इसको आप थोड़ा लाल करके भून लें। इसको थोड़ा क्रश कर लूंगी इस तरह से। इस तरह से आप आलू को क्रश कर लें। आलू थोड़ा कम ज़्यादा आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। अब इस आलू को मैं इसमें मिलाऊंगी। पहले मैं इसे मैश कर रख रही हूँ। पनीर और आलू को आप अच्छे से मैश कर लें। अब हमारा प्याज लाल हो गया है, मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी। इसको आपको थोड़ा लाल करना है। अब इसमें आप ये पनीर और आलू का मिक्सर इसमें डाल दें। अब इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। थोड़ा सा इसमें मैं 1 चम्मच करीब केचप डालूंगी, टोमेटो केचप। टोमेटो केचप डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिला लें।
अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया की पत्ती क्रश करके डालेंगे। ये हमारा थोड़ा लाल हो रहा है, अब इसमें मैं थोड़ा कड़ी पत्ता ऐड करूँगी, थोड़ा धनिया पत्ता भी ऐड करूँगी, ओरिएंडर लीव्स और कड़ी पत्ता, ये दोनों आपके खाने में फ्लेवर लाएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाकर बस इसे नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आइए मैं अपना गैस ऑफ करती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसे ब्रेड में कैसे सर्व करना है। ये मैंने इस तरह से इसे लाल करके फ्राई कर लिया है, अब मैं ब्रेड में इसे भरूँगी। तो आइए मैं दिखाती हूँ, मैंने अपना तवा एक चढ़ाया है, उसे गर्म होने के लिए दिया है और ब्रेड में आप बटर अच्छी तरह से लगा लें। तरह से ब्रेड में बटर लगा लें। और ब्रेड को लाल करके हम सेकेंगे दोनों तरफ से, उसके ऊपर आप ये मसाला भरें। तो इस तरह से पहले ब्रेड को सेक लें, ब्रेड को दोनों तरफ से सेकने के बाद मैं इसमें ये फ्राइड मसाला ऐड करूंगी। ये देखिए मेरा ब्रेड लाल हो गया है, अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। ये देखिए मैंने एक चम्मच बड़े चम्मच से ये मसाला लिया, अब इसमें मैं इसे ऐड करूंगी। ये स्नैक बहुत ही टेस्टी है और बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें और इसमें इसे बच्चों को सर्व करके दे सकते हैं। तो मैं अपने वीडियोज में ज़्यादातर ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, जो बच्चों से जुड़ा होता है, जो बच्चे जल्दी खाना नहीं पसंद करते हैं उसके लिए ये हमारा वीडियो चैनल है। तो इस तरह से मैंने मसाले को ऐड किया, अब इसे चारों तरफ से मिला लें और मिलाने के बाद आप दूसरा ब्रेड इसके ऊपर रख दें इस तरह से। बस आपको अच्छी तरह से लाल करके निकाल लें। बस ये हमारा लाल हो गया, ये देखिए ये मेरा बन चुका है। अब इसे मैं साइड कटिंग करके लोगों को सर्व करने दूंगी। तो आइए मैं इसकी साइड कटिंग करती हूँ। ये देखिए इसकी मैंने साइड कटिंग कर ली है, अब आप इसे सॉस के साथ बच्चों को दे सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स इन ब्रेकफास्ट बच्चों को दे सकते हैं ब्रेकफास्ट। अब इसी तरह मैं दूसरा ब्रेड आपको सेक कर दिखाती हूँ, अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं दूसरा ब्रेड सेकूँगी इसी तरह से। मैं इसमें हल्का हल्का बटर लगा रही हूँ क्योंकि अभी गर्मी का दिन है और मैं ज़्यादा बटर बच्चे को देना पसंद नहीं करूँगी, इसीलिए मैंने हल्का बटर लगाया है बस लाल होने के लिए। तो इस तरह से आप इसे हल्का लाल करें। ये देखिए मैंने इसे हल्का लाल किया है, अब आप इसमें मसाला ऐड करें,
इसी तरह से मैं एक चम्मच मसाला लूंगी। मैं अधिकतर आपको बताती रहती हूँ कि जो बच्चे खाना नहीं पसंद करते हैं उसे कुछ ना कुछ बदल कर रेसिपी ही चेंज कर दीजिए और बच्चे को दीजिए, देखिएगा थोड़ा चेंज बच्चे में कितना बदलाव लाएगा और बच्चा खाना भी पसंद करेगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों की रेसिपीज़ भी है, अधिकतर मैं बच्चों की ही रेसिपीज़ डालती हूँ। तो ये देखिए मैं इसे इसमें ऐड करूँगी और इसे सॉस के साथ बच्चे को खाने के लिए दूंगी। तो इस तरह से आप लाल करें और इसकी साइड कटिंग करें। तो आप साइड कटिंग ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें चढ़े चढ़े भी साइड कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप साइड कटिंग करें और सर्व करके लोगों को दे सकते हैं। तो ये देखिए हमारा आज का ब्रेड पनीर सैंडविच बनकर तैयार है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये नाश्ता? ये देखिए देखने में भी कितना काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।